दिस इज़ कौशल गौर, वेलकम बैक टू माई चैनल गौर बॉक्सिंग जिम। और आज मैं करने वाला हूँ हिट वर्कआउट अपने बाइसेप्स का। प्रॉपर तरीके से बाइसेप और फोरआर्म को ट्रेन करने वाला हूँ आज। और आज का जो मेरा वर्कआउट है, ये कटिंग सीरीज जो चल रही है, तीसरा दिन है मेरा कटिंग सीरीज का। तो आज मैं करने वाला हूँ बाइसेप का वर्कआउट, यानी कि प्रॉपर तरीके से अपना आर्म्स का वर्कआउट, फोरआर्म एंड बाइसेप ब्रैकिया, ब्रैकियलिस ब्रैकिया एंड ब्रैकिया रेडियलिस। तो इस तरीके से मैं अपने तीनों पार्ट को कवर करूंगा आज। और जो मेरे रैप्स रहेंगे वो इसमें सुपर सेट रहेंगे और ड्रॉप सेट रहेगा, ताकि मेरा प्लेटू बस्ट हो सके। प्लेटू बस्ट क्या होता है? जब हमारी मसल एक जगह रुक जाती है और उससे आगे नहीं बढ़ना हो रहा है, मतलब मसल हमारी रुकी हुई है। सपोज मेरा अगर 16 का बाइसेप्स है और 16 ही अगर मेरा काफ़ी दिन, मतलब 16 ही रह रहा है, उससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम कुछ इस तरह का वर्कआउट करते हैं जिससे कि हमारा प्लेटू बस्ट हो सके और हमारी मसल ग्रोथ हो सके। तो ये स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आइए, मेरा जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है बारबेल कर्ल वाइड ग्रिप एंड क्लोज ग्रिप में, तो दिखाते हैं गाइस। Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. Go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know. Even try, do it for your country, do it for your name. But there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. इसमें जो मेरे biceps का अभी साइज देख सकते हैं, जो साइज आ रहा है इसमें, ये बस्ट होने वाला है। जो प्लेटू है वो बस्ट होने वाला है, यानी कि जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है अच्छे झगड़ा करने पर ऐसे उसका साइज इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा। चलिए, अब जो मेरा सेकेंड वर्कआउट है, सेकेंड एक्सरसाइज होने वाली है वो है डंबल कर्ल इंक्लाइन बेंच पर डंबल कर्ल। Leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. ये प्रॉपर बाइसेप ब्रैकियलिस पूरा इसको ट्रेन कर रहा है, पूरा एक्टिवेट हो रहा है इस टाइम बाइसेप ब्रैकियलिस, क्योंकि आउटर ग्रिप है इसमें प्रॉपर बाइसेप ब्रैकियलिस को काम करता है आउटर पर ब्रैकियल। सेकेंड एक्सरसाइज है, इसमें हम कर रहे हैं इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल। ओके, तो ये प्रॉपर हमारे बाइसेप मसल को ट्रेन कर रहा है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, ये पहला सेट है मेरा। हमें डंबल को हैंग करना है इस, थोड़ा फेस अप रख सकते हैं और हल्का सा डंबल को आउट साइड में पेन करेंगे तरीके से, ताकि हमारे ब्रैकेट इस पास रहे। इस
Heard whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help. But it gets so much मतलब पूरा ही आ रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेट हो रहा है पूरा, बाइसेप इनर साइड और आउटर साइड, यानी कि बाइसेप ब्रैकेट, ये पूरा मेरा मसल एक्टिवेट हो रहा है इसमें. And he's spitting fire and Mike got him out the dryer. He's hot, found him in Fort Minor with top. But a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cock. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record wish you notice, taking no blow. He's got a इसमें हम बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कुछ इस तरह का कंडीशन है. इसमें केवल जो हमारा हाथ है, जो बाइसेप का मूवमेंट है, वो केवल बाइसेप पर ही आता है. तो भाई साहब हमारा छोटा मसल है, उस हिसाब से हमें वेट हल्का ही रखना पड़ेगा. इसमें कोई how or why he works so hard, it seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line, and I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain. भाई झंझनाट छूट गई एकदम, भाई साहब में पूरे हाथ में झंझनाट है एकदम. मतलब ये क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है बहुत बैंक. थर्ड एक्सरसाइज का पहला सेट, इसमें हम अपने बाइसेप को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. प्रॉपर हमारे कोनिया जो है बिल्कुल पैरेलल टू फ्लोर, और बिल्कुल इस तरीके से केबल को हमें सामने लेके आना है, तरीके से पीछे लेके जाना है, तभी बाइसेप का हमें हिट लगेगा. बोल रहे हैं एक सेकंड बहुत जल्दी भी वापस जाना है, एक सेकंड बहुत and he's spitting fire and Mike got him out the dryer. He's hot, found him in Fort Minor with top. But a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cock. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record wish you notice, taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe it. चौथा सेट है मेरा, ये DCX आएगा चौथा सेट. ये मेरा ड्रॉप होने वाला है, देखते हैं किस तरीके से ड्रॉप कराता हूँ. अरे तुम how or why he works so hard, it seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line, and I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. You ready?
टाइम जो हिट है ना, इस टाइम ये हिट जो हो रहा है, पंप जो हो रहा है, यही है असली। इसी से पंप होता है, जो भी हमारा साइज डेवलप हो रहा है यहाँ डेवलप होता है। ये हमारा प्ले टू वर्स्ट मोमेंट इस टाइम। ये हमारा फेलियर वाला है, मतलब लास्ट जितना हमारा कैपेसिटी है उतना लास्ट तक देना है, जितने रेप्स में ले सकते हैं लास्ट में फेलियर। चलते हैं रिवर्स मार्बल कट एंड हैमर डंबल कट, दोनों की सुपर सेट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रिवर्स ग्रिप मार्बल कट एंड इसके जस्ट बाद 10 रेप्स लेने के बाद मेरा रहेगा डंबल हैमर कट। ओके स्टार्ट नाउ। Spots and stocks through the roof, I heard you fuck them with desk dots. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryder, he's sick, and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot, found him in Fort Minor with top. Got a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cock. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe. You wanna? This part from train ka time. बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वर्कआउट है, पूरा ब्लड टू बस्ट हो रहा है, एकदम हाथ में ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ ब्लड फ्लो हो रहा है या कुछ इस तरह का फील हो रहा है। तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट होता है, इस तरह का वर्कआउट करने से हमें डेवलपमेंट मिलता है मसल में, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा पम्प आता है। उसके बाद हमें डाइट का भी पूरा ध्यान देना होता है, डाइट क्या लेनी है वो मैं अपने डाइट वाले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आपको यहाँ जो मेरा ब्लड वर्स्ट हो रहा है, देख सकते हैं मसल्स, अब ऐसा लग रहा है कि मसल फटने वाली है और एक साइज अच्छा गेन होने वाला है जो साइज मुझे चाहिए। ये जो मैं बल्क सीरीज से श्रेड वर्क करा रहा हूँ, बल्क सीरीज टू श्रेड यानी कि फैट टू फिट सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, इसमें इस तरह का वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्कआउट में हम अपनी बॉडी के कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न कर रहे हैं और उसी पार्ट को बार बार ट्रेन कर रहे हैं, तो वो खुद को खुद एक शेप में आने वाला है, खुद को खुद कटिंग सीरीज कटिंग लेने वाला है, इसलिए हम इसको सुपर सेट में करते हैं और ड्रॉप में करते हैं। तो ये हमारी इस तरह की सीरीज होती है, फैट टू फिट सीरीज होती है। अब मेरा तीसरा सेट इसके बाद बाकी है, उसके बाद मेरा वर्कआउट फिनिश हो रहा है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर अपनी वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इसी तरीके से अपना चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करते रहें, प्लीज़ डिसलाइक ना करें क्योंकि उससे बहुत तेज पहुँचती है, इसलिए कृपया लाइक करें। और मिलते हैं इसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।